एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है, तो जैसा कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही थी उसी की आगे की ये वीडियो है। एंड आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं जो तीन कर्नाटक युद्ध हुए थे। बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे PCS के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तीनों कर्नाटक युद्धों को देखेंगे, इसके साथ दो आपकी यूरोपीय कंपनियां बची थी, ठीक है। हम लोगों ने अंग्रेज़ों तक यानी कि ब्रिटिशर्स तक कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं डेनिश कंपनी यानी कि डेनमार्क की कंपनी और इसके अलावा फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो दोनों कंपनी को भी देख लेते हैं और कर्नाटक के तीन युद्धों को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए और अभी जो स्क्रीन पे रेफरल कोड आ रहा है शिक्षा10, इसका यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स के लिए। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एक किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए आपने जो है रेलवे के लिए लिया या फिर SSC के लिए लिया, तो आप उसमें उस कैटेगरी के पर्टिकुलर किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही टीचर से पढ़ पाओगे, आपको जो भी अच्छा लगे। लॉट्स ऑफ टीचर्स हैं अवेलेबल अनअकैडमी पे, जिनका भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है या जिनकी भी टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है। स्पोर्ट्स भी आपको पता चलते रहते हैं और इसके अलावा लाइव इंट्रैक्शन होता है, सारी वीडियोज़ जो है लाइव पढ़ती हैं। डाउट सेशन होते हैं हर 3 दिन में, कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डाउट सेशन में अच्छे से जो भी चीज़ है वो पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर से, जो कुछ भी आपने पढ़ाया उसके बाद 3 दिन बाद डाउट सेशन रखा जाता है। तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का तो जल्दी से ले लीजिए हमारे इस रेफरल कोड से, जो कि है शिक्षा10। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्या, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेनिश कंपनी से। डेनिश कंपनी मतलब डेनमार्क की कंपनी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, कह रहे हैं देखिए 1616 में, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख दी हैं, बिकॉज अगर इनको यहाँ पे अभी लिखेंगे तो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और अगर इनको अभी यहाँ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और PDF में क्या है कि कभी कभी PDF अवेलेबल आपके लिए नहीं हो पाता है, तो इस वजह से लिख कर ही बनाया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 1616 ईस्वी में डेनमार्क में सबसे पहली डेनिश कंपनी, मैं आपको समझाती जा रही हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें शॉर्टकट में लिखी गई हैं जिनको मैं आपको समझाती जाऊँगी। अगर डेनिश कंपनी की बात की जाए तो सबसे पहली डेनिश कंपनी कहाँ खुली थी, 1616 ईस्वी में खुली थी डेनमार्क में, ठीक है। इंडिया में अगर बात की जाए, ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले 1619 ईस्वी में ट्रैंकोबार में प्रथम व्यापारिक केंद्र जो है डेनिश का या फिर डेनमार्क वासियों का वो खोला गया था, ठीक है। डेनिश कंपनी का प्रथम व्यापारिक केंद्र जो है वो 1619 में ट्रैंकोबार, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से सुनते जाइएगा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे साथ में तो उसको नोट भी करते जाइएगा। तो 1619 ईस्वी में ट्रैंकोबार में पहला व्यापारिक केंद्र पूछता है, ठीक है, डेनिश कंपनी का पहला व्यापारिक केंद्र भारत में कब और कहाँ खुला था। तो 1619 ईस्वी में खुला था और कहाँ खुला था, ट्रैंकोबार तमिलनाडु में। चलिए ये हो गया बस डेनमार्क के बारे में, इतना कुछ जो है डेनिश कंपनीज के बारे में इतना कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि कोई भी युद्ध इतने ज़्यादा आते नहीं। और फिर ये इनको जब तक लगा कि व्यापार किया जा सकता है इन्होंने किया और फिर ये बाद में चले गए थे, ठीक है। तो इनके बारे में जितना सफिशियंट है बस इतना ही कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए अब जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो आपका क्या है, फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी, अब फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है फ्रांस की कंपनी खुली थी। कंपनी का नाम क्या था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कंपनी की स्थापना कब हुई थी,
उसको भी देख लीजिए। कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा। अच्छा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। पूछ सकता है कि जिस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस में किसका शासन काल चल रहा था? तो उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14वें, ठीक है, लुई 14 का राज्य चल रहा था। इनको ऐसे हम लोगों ने लिख दिया, लुई 14वें। इसके अलावा लोग रोमन्स में लिख देते हैं ना, रोमन नंबर्स में। तो लुई 14वें का शासनकाल चल रहा था, उस समय राजा कौन थे फ्रांस में? लुई 14वें, ठीक है। अब देखिए, किसकी सहायता से जो है पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया था, देख लीजिए। किरण, वित्त मंत्री, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लुई 14वें के शासन काल में खुली थी, और वित्त मंत्री कौन थे उस टाइम? कोलबर्ट। इन्हीं वित्त मंत्री कोलबर्ट की सहायता से ये जो कंपनी है इसकी स्थापना की गई थी। अब आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में इसका पहला व्यापारिक केंद्र कौन था, ये तो मान लीजिए कंपनी थी, लेकिन भारत में इसका पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो आप जानते हैं कि भारत में पहला व्यापारिक केंद्र, चाहे अगर बात करें फ्रांसीसी कंपनी की या फिर बात करें ब्रिटिश कंपनी की, दोनों में भारत में पहला व्यापारिक केंद्र का आंसर सेम होगा, ठीक है। सूरत, इन्होंने भी सूरत में खोली थी, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने भी कहाँ पे खोला था अपना पहला व्यापारिक कारखाना? सूरत में खोला था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, पहला व्यापारिक केंद्र था इनका सूरत। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबके सब पूछे जाते हैं, ठीक है। सारे जितने भी फैक्ट्स लिखे हुए हैं सब आपको तैयार करने हैं। उसके बाद देखिए, लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी गवर्नर, पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। पहले फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो कौन थे? डुप्ले, ठीक है। पहले फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो कौन थे? डुप्ले थे। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में, ये भी पूछता है कि पहला फ्रांसीसी दल जो भारत आया वो किसके नेतृत्व में और कब आया, ठीक है। जैसे अगर कभी आपसे पूछ ले पहला फ्रांसीसी दल जो है वो किसके नेतृत्व में भारत आया और कब आया, तो 1668 में भारत आया, और किसके नेतृत्व में आया? फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में। और इसके अलावा ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले गवर्नर, पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे भाई भारत में? पहले भारत के फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, ठीक है। पहला कोई भी गवर्नर हो किसी कंपनी का तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो 1668 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में पहला फ्रांसीसी दल भारत में आया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स अब आपके इंपॉर्टेंट वाले शुरू हो गए। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य क्या हुए? युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए भाई? तीन युद्ध हुए, बेसिकली तीन युद्ध हुए, जिनको कि हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के तीन युद्ध, सबके अलग अलग रीजन थे, सबके अलग अलग तात्कालिक कारण थे, इमीडिएट कॉज जिसको बोलते हैं। तो क्या क्या कॉज थे वो सारे भी बात कर लेते हैं, पर हुआ क्या था, लड़ाई क्यों चल रही थी? तो देखिए, ये जो लड़ाइयाँ भारत में हुई हैं, ठीक है, जिनको हम कर्नाटक के युद्धों के नाम से जानते हैं, भारतीय लड़ाइयाँ जो हुई हैं, वो बेसिकली रीज़न था जो यूरोप में लड़ाइयाँ चल रही थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पहले से था क्या कि काफ़ी सारी लड़ाइयाँ ऑलरेडी चल रही थी, जैसे कि ऑस्ट्रिया की चल रही थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के साथ कुछ थे, कुछ देश जो हैं वो ऑस्ट्रिया के साथ थे, कुछ देश जो हैं वो दूसरे, जैसे कि ऑस्ट्रिया और प्रशा की भी लड़ाई चली है आपस में। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको चीज़ें जो है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि कौन किसके साथ था वो सारी चीज़ें। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी सारा पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे इसलिए नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं समझाती चलूँगी। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे जो कर्नाटक के तीन युद्ध हुए उसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, तात्कालिक कारण अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था, ठीक है। मैं आपको अभी सारे रीजन बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी इसके। पहली चीज जो युद्ध का कारण था वो एक तो ये भी था कि फ्रांसीसी कंपनी जो खुली थी, ठीक है, फ्रांस की कंपनी जो खुली थी वो पूर्णतः कैसी थी? वो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, यानी कि सरकार का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप था और वो प्राइवेट कंपनी नहीं थी, ठीक है। जैसे डचों ने भी खोली थी ना, तो उसी तरीके ये जो कंपनी थी वो पूर्ण रूपेण कैसी थी?
सरकारी कंपनी थी पहली चीज, ठीक है। और ये तो मैं अभी है आपको पतन का रीजन बता रही हूँ, और ये पतन का रीजन जो अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी, हुआ क्या था, इन लोगों ने जो कंपनी खोली थी वो पूर्ण रूपेण कैसी थी, सरकारी थी, और इसी वजह से आगे चलकर फ्रांसीसी कंपनी का क्या हो गया, पतन हुआ। और भी बहुत सारे रीजन थे, वो सारे रीजन भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं जो जो चीजें हैं उन पॉइंट्स को देखते जाते हैं, बीच बीच में मैं आपको चीजें जो है वो क्लियर करती जाऊंगी। तो अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुए। युद्ध क्या थे, युद्ध एक तरीके से यूरोप में होने वाले युद्धों का ही विस्तार था। यूरोप में जो युद्ध चल रहे थे इनके बीच में, उन्हीं का ये क्या था, विस्तार था, ठीक है। चलिए, इस युद्ध के दौरान 1760 में, ये अभी आप आगे भी पढ़ोगे, आगे मैं बताऊंगी इसको, इसी युद्ध के दौरान पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के दौरान जो है, कौन से युद्ध चल रहे थे जब वांडीवास की लड़ाई हुई, तो यही आपके कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे, ठीक है। स्पेशली जो आपका कर्नाटक का तीसरा युद्ध है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, उसी में आपकी ये वांडीवास की लड़ाई होती है, जिसमें फ्रांसीसी क्या होते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी पराजित हुए, ठीक, फ्रांसीसी क्या हुए, पराजित हुए। चलिए अब देखिए, इसमें और भी चीजें हैं जो हम लोग देख लेते हैं कि भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप कर आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा, जो भी राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक चीजें होती थी उसमें हस्तक्षेप करके ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ लेने की अवधारणा कौन लाया था, उसका स्टार्ट किसने किया था, फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने किया था, और इसी को आगे चलकर क्लाइव ने जो है फॉलो किया। रॉबर्ट क्लाइव आपने सुना होगा, ठीक है, अंग्रेजी गवर्नर, उसने इस चीज को आगे चल के फॉलो किया और इसी को सहायक संधि का नाम दिया, ठीक है। सहायक संधि मैं आपको आगे बताऊंगी जब इस चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपके कर्नाटक युद्ध लिखे हुए हैं, लेकिन इन कर्नाटक युद्धों से पहले जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि वो हम लोग बात बता देते हैं कि क्यों जो है फ्रांसीसी कंपनियों का पतन हुआ। पहली बात तो देखिए, तात्कालिक कारण में एक रीजन सबसे बड़ा ये आता है कि ये कंपनी कैसी थी, पूर्णतः सरकारी थी, इसीलिए इसमें क्या था, समन्वय का जो मतलब जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उनमें समन्वय का क्या था, अभाव था। वो लोग काम भी टाइम पर नहीं करते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो गया था, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हुई, इसके अलावा जो बहुत सारे युद्ध हुए, युद्ध में हार वगैरह हुई, इससे भी कमज़ोर हुए, और कई ऐसी गलतियाँ की, गलतियाँ भी आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, वो जब आप युद्ध देखेंगे तो मैं बताऊंगी कि उसका रीज़न क्या रहा, फिर कौन सी संधि हुई जिससे जो है फ्रांसीसियों को पीछे हटना पड़ा, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग साथ में देखते जाएंगे, ठीक। तो ये था पतन का रीजन। चलिए अब कर्नाटक युद्ध हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं तीनों कर्नाटक युद्धों को। तो उसमें से जो पहला कर्नाटक युद्ध है उसके बारे में आते हैं कि क्या तात्कालिक रीज़न था, यानी कि इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से जो है ये युद्ध हुआ। पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का संघर्ष जो आपका यूरोप में चल रहा था वो तो आपको पता ही है, ठीक है, उसी वजहों से भी यहाँ पे लड़ाइयाँ जो है वो हुआ करती थी। मेन रीज़न जो माना जाता है इस पहले कर्नाटक युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध हम देखने जा रहे हैं, जो कि वह 1746 से 48 ईस्वी के बीच में, यहाँ पे अभी आपको कई बुक्स में टाइमिंग जो है 1744 भी दिया रहता है, वो भी गलत नहीं है, ठीक है, और कहीं कहीं 1740 दिया रहता है। तो जो 1744 से दिया रहता है, आप कह सकते हो कि 1744 से स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग की बात करें तो 1746 से 48 तक ही मानी जाती है। हालांकि पहले ही यूरोप में ये युद्ध जो है वो 1740 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट ही थी, तो इस वजह से कई बुक्स में वो भी दे दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 1744 आप एक करेक्ट डेटा मान सकते हो, और ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 1746 से 48, अगर 44 भी लिखा मिलता है तो वो गलत नहीं है, ठीक, लेकिन अगर ऑप्शन आता है तो आपको यही सिलेक्ट करना है, आप समझ गए होंगे। चलिए तो आ जाते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, उनको मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ, आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं। इमीडिएट कॉज क्या था, तात्कालिक कारण क्या था इस पहले कर्नाटक युद्ध का, तो देखिए रीज़न ये था कि हुआ क्या, अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेज के एक अधिकारी थे बर्नेट, उनकी सहायता से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जो जहाजी बेड़े थे या फ्रांसीसियों के जो जहाज थे उनको क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया।
तो उन फ्रांसीसी जहाजों को, बहुत सारे फ्रांसीसी जहाज थे जिनको क्या कर लिया, कैद कर लिया या कब्जे में कर लिया। अब जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो डुप्ले को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब लगी। डुप्ले ने क्या किया, मद्रास का घेरा डाल दिया, मद्रास में घेरा डाल दिया कि अब जो है यहाँ पे क्या होगा, युद्ध होगा और एक तरीके से क्या होगा कि हम जीत लेंगे मद्रास पूरा। ठीक, तो जब ऐसा डुप्ले ने किया तो काफी हद तक डुप्ले जो है इस काम में सफल भी हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ युद्धों का जिक्र आता है, जैसे सेंट थोमे का युद्ध जिसको सेंट टोमे बोला जाता है, और एक और फोर्ट है, ठीक है, फोर्ट डेविड करके, उसको जीतने में असमर्थ हुआ डुप्ले। तो जब ऐसा हुआ आगे चल के तो हुआ क्या कि दोनों के बीच अंग्रेज एक तरीके से जो है विजेता समझ लीजिए कोई ही नहीं हुए, ये फिर भी जो है हुआ क्या कि दोनों के बीच संधि हुई। मद्रास में जो घेरा डाल दिया था डुप्ले ने, तो मद्रास के जो भाग जीतने की कोशिश करने लगा था डुप्ले, उसको छोड़ना पड़ा। और संधि जो हुई, संधि का नाम क्या रखा गया, ऑक्सा ला सेपेल, ठीक है, सेपेल भी लिखा रहता है, ऑक्सा ला सेपेल की संधि बोली जाती है। इस संधि से जो है वो ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, ऑक्सा ला सेपेल की संधि हुई थी जिससे जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। और इसमें कहा गया कि फ्रांसीसियों को मद्रास जो है वो छोड़ना होगा, जो मद्रास आपने घेर लिया है उसको आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं, तो था पहला कर्नाटक युद्ध। ठीक, उसके बाद हम आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तात्कालिक रीजन भी देख लिया कौन सी संधि से समाप्त हुआ, इतना आपके लिए सफिशियंट है। दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसकी जो टाइम पीरियड है कब से कब तक मानी जाती है, 1749 से 1754 तक की टाइम पीरियड माना जाता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। ठीक है, 1749 से 1754। अब इसका देख लीजिए, इसका रीजन क्या था, इसका तात्कालिक कारण क्या था, वहां तो लड़ाइयाँ चल ही रही थी, इसके अलावा यहाँ क्या हुआ था। ये मेन जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के बीच जो विवाद चल रहा था उस विवाद से हुआ। आगे चल के फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स दोनों इनके आपसी विवादों में कूद पड़े, यानी कि ये विवाद था कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकारियों के बीच, लेकिन आगे चल के इनमें से एक एक को, एक एक कंपनी का, यानी कि एक को ब्रिटिश का और एक को फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये लोग तो एक तरीके से लड़ाई में जो है फालतू ही कूदे थे, ठीक है, कोई इनका लेना देना नहीं था, लेकिन इनको अपना राजनीतिक जो है ये इसलिए कूद जाते थे कि ताकि हमें आर्थिक फायदा हो चीजों का, ठीक है, ये सारी चीजें। और स्पेशली इस टाइम जो है डुप्ले बहुत इन सारी चीजों में आगे रहता था। तो हुआ क्या कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के बीच जो है विवाद हो रहा था, जिसकी वजह से ये युद्ध जो है ये स्टार्ट हुआ। तो देखिए हैदराबाद में जो थे, हैदराबाद में कौन कौन थे, देखिए हैदराबाद में चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, हैदराबाद की तरफ से कौन थे, चंदा साहब थे और मुजफ्फर जंग थे। और इनकी तरफ से कौन सी यूरोपीय कंपनी साथ दे रही थी, फ्रांस साथ दे रहा था, फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनी डुप्ले, ठीक है, डुप्ले इसका साथ दे रहा था। तो हैदराबाद की तरफ से थे चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, और डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर वो साथ दे रहा था इनका, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ कौन था भाई, दूसरी तरफ था कर्नाटक। एक्चुअली था क्या कि आपस में उत्तराधिकार की जंग थी, ठीक है, तो कर्नाटक मेन लड़ाई जो थी वो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में थी। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग आपस में क्या थे, भाई भाई थे, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई भाई थे, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कर्नाटक की तरफ से लड़ने वालों में से कौन थे, अनवरुद्दीन थे और नासिर जंग थे, ठीक है, अनवरुद्दीन थे और नासिर जंग थे, और इनका साथ कौन दे रहे थे, अंग्रेज दे रहे थे, ठीक है। अंग्रेज में आप जानते होंगे कि उस समय जो है कौन था, जो क्या कहते हैं, गवर्नर कौन था, ठीक, तो उस समय क्लाइव था गवर्नर। तो हैदराबाद की तरफ से चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, गवर्नर था डुप्ले, कर्नाटक की तरफ से अकबरुद्दीन और नासिर जंग, ठीक है, और इधर अंग्रेज साथ दे रहे थे। तो अब ये जब लड़ाई होती है, ठीक है, जब ये लड़ाई होती है तो होता क्या है कि चंदा साहब जो है, चंदा साहब, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई होती है, ठीक
ठीक है, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई होती है, अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है। ठीक है, चंदा साहब अनवरुद्दीन को मार देता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें होता क्या है कि नासिर जंग शुरू शुरू में तो क्या होता है कि जीत जाता है इससे, शुरू शुरू में तो जीत जाता है नासिर जंग, ठीक है, अपने भाई मुजफ्फर जंग से। लेकिन होता क्या है कि आगे चल के पता नहीं किस रीजन की वजह से नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है बाद में। तो दक्कन का गवर्नर, या कह सकते हैं कि जो दक्कन का साम्राज्य था, वो किसके हाथ में चला जाता है, मुजफ्फर जंग के हाथ में चला जाता है। ठीक है, मतलब हार के भी वो क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, क्योंकि जीतने वाले की तो मृत्यु हो गई। नासिर जंग जीता था, लेकिन नासिर जंग की हो जाती है मृत्यु, जिसकी वजह से मुजफ्फर जंग जो है वो क्या हो जाता है, दक्कन का सूबेदार बन जाता है। ठीक, तो ये लड़ाई हुई आपकी हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के बीच, ये विवाद था, और यही द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो बोला जाता है। ये जो युद्ध है, और होता क्या है कि युद्ध तो ये लंबा जो है ज्यादा लंबा नहीं चला, बाद में साथ में वहां तो चल ही रहा था, विदेशों में युद्ध तो चल ही रहा था, ये भी युद्ध आपको थोड़ा लंबा ही चला था। इसके बाद होता क्या है कि फ्रांस के, जो आपको मैंने पहले ही बताया कि फ्रांसीसी कंपनी पे गवर्नमेंट का पूरे पूरे तरीके जो है अधिकार था, ठीक है, सरकारी कंपनी थी पहले ही मैंने आपको बताया, तो डुप्ले जो है यहाँ पे हर एक चीज में कूद रहा था। और कई बार होता क्या था कि आर्थिक क्षति बहुत हो जाती थी भाई, अगर आप सहायता करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साइड जाके खड़े होके कि हाँ हाँ हम भी लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। सहायता का मतलब है आप उनको हर एक चीज प्रोवाइड करा रहे हो, आप उनको सैनिक भी प्रोवाइड करा रहे हो, और एक इनडायरेक्टली अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भी लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो डुप्ले को भी मजा आती थी कि हम इसी बहाने कैसे अंग्रेजों से भी जो है लड़ लेंगे। तो था क्या कि ये सारी चीजें देख करके जो फ्रांसीसी उस समय सत्ता में थे, फ्रांसीसी राजा थे, आप समझ सकते हैं कंपनी के जो हेड थे वहां पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई डुप्ले जो है ये बहुत ही खर्च करवा रहे हैं और हर एक चीज में कूद जाते हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया, और उसके बाद दूसरा जो गवर्नर बना के भेजा गया वो भेजा गया गुडेहू। कौन भेजा गया? गुडेहू। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा है। अब गुडेहू जब आया तो गुडेहू ने आकर के अंग्रेजों के साथ कर ली संधि। ठीक है, लड़ाई जारी नहीं रखी अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। और यही संधि किस संधि के नाम से जानी जाती है? पांडिचेरी की संधि। और इसी संधि से युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। गोडेहू ने फ्रांस अंग्रेजों से कर ली संधि, और वो संधि जानी जाती है पांडिचेरी की संधि के नाम से, जिससे कि युद्ध समाप्त हो गया। और ये कब हुआ था? 1754 में ये संधि हुई थी। ठीक, तो ये है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब हम देख लेते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो चला है वो चला है 1758 से 1763 ईस्वी तक। ठीक है, 1758 से 1763 ईस्वी तक। अब ये क्या था, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो था यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार। यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध यानी कि यूरोप का जो 7 साल चलने वाला युद्ध है उसी का ये तृतीय वाला, तो पूरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये उसी युद्ध का क्या था, विस्तार था। ठीक है, इस युद्ध में जो ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में लड़ाई चल रही थी, उसी का ये क्या था, विस्तार था। एक के साथ थे ब्रिटिश, और एक के साथ क्या थे, एक के साथ ब्रिटिशर्स थे, एक के साथ फ्रांसीसी थे। तो तात्कालिक कारण थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं कि तात्कालिक रीजन क्या था जिसकी वजह से जो है ये लड़ाई हुई, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। देखिए लिखा हुआ है कि फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक व असैनिक अधिकार प्रदान किए। देखिए यहाँ देखते जाइएगा, मैं इसको जो है आपको दिखाती जा रही हूँ। ठीक है, इसको धीरे धीरे से देखते जाइएगा पूरा। तो तात्कालिक रीजन ये था कि फ्रांस की सरकार ने काउंट डी लाली को क्या किया, बाद में आगे चल के जो काउंट डी लाली थे उनको बाद में सारे सैनिक और असैनिक अधिकार दे दिए, जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स और ज्यादा खुन्नस खा गए। खुन्नस इसलिए खा गए कि वो जानते थे कि अगर ज्यादा अधिकार दे दिए गए तो वो जरूर दक्कन के क्षेत्रों में क्या करेगा,
जहाँ पे वो पहले से ही पूरा प्लान जमा रहे थे कि हमको ये क्षेत्र भी अपने अंडर में करना है। अब आप अगर किसी को पूरा अधिकार दे दोगे, किसी दूसरी कंपनी के गवर्नर, पहले वाली से थोड़ी सांठगांठ हो गई थी, तो दूसरी वाली को जब सारे अधिकार दे दिए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि काउंट डी लाली को जब सारे फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकार मिल गए तो ये चीज़ अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। तो फिर से क्या हुई, एक लड़ाई हुई, बस वो भरे बैठे थे कि हमें अब लड़ना है। ठीक है, ये चीज़ उनको बहुत गलत लगी। तो लड़ाई कैसी हुई, लड़ाई हुई, देखिए ये तो एक बीच की लड़ाई है, जो ये 1760 में वांडीवाश की लड़ाई सर आयरकूट के नेतृत्व में हुई। इसी लड़ाई के बीच में ही जो है वांडीवाश का युद्ध आता है, 1760 में हुआ था सर आयरकूट के नेतृत्व में। ठीक है, और 1761 में अंग्रेजों का पांडिचेरी पे क्या हो गया था, नियंत्रण हो गया था। हुआ क्या था कि जैसे ही मैंने आपको बताया कि काउंट डी लाली को जब सैनिक और असैनिक अधिकार सारे मिल गए तो एक गलती हो गई। ठीक है, काउंट डी लाली ने एक गलती कर दी। वो गलती क्या थी कि उसने एक फ्रांसीसी गवर्नर को दक्कन से बुला लिया। ठीक है, उसको दक्कन से उसने क्या कर लिया, बुला लिया। उसने कहा कि जो वहां पे मतलब उस समय कार्यरत था उसको बुला लिया। अब जब बुला लिया तो ये चीज अंग्रेजों के पक्ष में आ गई। ठीक है, और अंग्रेजों ने वहां पे क्या करने लगे, नियंत्रण करने लगे। अब जब नियंत्रण करने लगे तो ये चीज फिर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। जिसके बाद क्या होता है कि परिणाम स्वरूप युद्ध तो चल ही रहे थे, बाहर भी यूरोप में भी चल रहे थे, मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में चल रहे थे। तो 1760 में वांडीवाश की लड़ाई हुई, जिसमें सर आयरकूट के नेतृत्व में ये लड़ाई जो है वांडीवाश की हुई थी। और 1761 में क्या हुआ कि अंग्रेजों का पांडिचेरी पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, इसी लड़ाई के फलस्वरूप 1761 में अंग्रेजों का पांडिचेरी पे नियंत्रण हो गया, और 1763 में पेरिस की संधि हुई इसी के फलस्वरूप। ठीक है, अब जो ये संधि हुई 1763 में पेरिस की संधि, बहुत मतलब कभी कभी इससे कुछ चीजें ऐसी पूछ ली जाती है कि कब हुई पेरिस की संधि, जो 1763 में हुई, उसके बाद जो है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध पूर्णता विराम हुआ। इस संधि के फलस्वरूप, ठीक है, इस संधि के फलस्वरूप हुआ क्या कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर छोड़ के, खाली चंद्रनगर छोड़ दिया था, इसके अलावा जितने भी उनके क्षेत्र थे जो कि फ्रांसीसियों द्वारा उन्होंने पहले ही हथियार लिए थे, वो सब उन्होंने फ्रांसीसियों को क्या कर दिए, वापस कर दिए थे। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया डिटेल में, क्योंकि कुछ चीजें जो फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। जो मैंने ओरली बताया वो तो आपके समझने के लिए बताया है, जो फैक्ट्स यहाँ पे लिखे थे वो सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं, उनसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपने देख लिए होंगे, और आई होप आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध तक की चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो हम लोगों ने ये तीनों कर्नाटक युद्ध थोड़ा जो है फास्ट देखा, जल्दी देखा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ये भी बता सकते हैं कमेंट में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और जो भी लोग परेशान हो रहे थे कि हिस्ट्री की वीडियो आपको लगातार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको लगातार हिस्ट्री की वीडियो मिलती रहेगी। इसके साथ में आपकी पॉलिटी की चल रही है वीडियो, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो जो है चल रही है, श्वेता मैम पढ़ा रही है पॉलिटी, और आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितनी भी पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब कुछ कवर की जाएंगी। ठीक है, तो फिर से मैं बोल दे रही हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।